Hello students, welcome to the video session. In this particular video session we are going to talk about a particular editorial that is militancy not militants jo Indian Express ke opinion page pe aaya tha 19 December 2018 ko. Is article ke agar context ki baat kare to ye article ek context mein likha gaya hai aur wo context tha ki pichle shanivar ko 11 logo ki hatya hui thi Jammu Kashmir mein jisme marne walon mein se 7 civilian the 3 militants थे और एक आर्मी का जवान था ऑलराइट तो इतनी मास स्केल पे जो मिलिटेंसी जो इतनी जो मास स्केल पे वहां पे किलिंग हो रही है उसके पीछे क्या कारण है वो कारण स्पष्ट करता है ये पर्टिकुलर आर्टिकल दिस आर्टिकल डिस्कसेस व्हाई देयर इज लैक ऑफ फोकसिंग ऑन कैप्चरिंग द मिलिटेंट अलाइव एंड मोर फोकस ऑन किलिंग द मिलिटेंट दिस इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल तो पहली बात हम बात करते हैं कि मिलिटेंट को मारने पे क्यों इतना जोर है जम्मू कश्मीर में रेदर देन कैप्चरिंग द मिलिटेंट अलाइव देखिए इसके पीछे एक कारण है जो ये आर्टिकल स्पष्ट करता है ये कारण है कि पिछले 30 सालों में जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट को मारने का एक रिवॉर्डिंग सिस्टम चालू हो गया जब भी कोई सिक्योरिटी पर्सनल किसी मिलिटेंट को मारता है वो उस सिक्योरिटी पर्सनल को किसी न किसी तरीके का रिवॉर्ड प्रेजेंट किया जाता है जो कि इस चीज को बढ़ावा देता है कि सिक्योरिटी पर्सनल शुड फोकस ऑन किलिंग द मिलिटेंट रेदर देन कैप्चरिंग हिम और हर अलाइव फॉर एग्जांपल अगर कोई सिक्योरिटी पर्सनल किसी ग्रेड ए मिलिटेंट को मारता है तो उसको इसके इनाम के तौर पे 7 से 12.5 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाता है जो कि काफी बड़ा अमाउंट है ये इनाम सिर्फ उस सिक्योरिटी पर्सनल को नहीं मिलता बट कि उन सब इंसानों को मिलता है जो सिक्योरिटी पर्सनल की हेल्प करता है मिलिटेंट को लोकेट करने में मिलिटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में मिलिटेंट को मरवाने में जितना भी इनका सर्कल होता है इन पूरे सर्कल को मॉनिटरी फाइनेंसेस मॉनिटरी रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से ये सारे लोग बाग हेल्प करते हैं मिलिटेंट को मरवाने में रेदर देन प्रोवाइडिंग लीड्स टू कैप्चर द मिलिटेंट अलाइव ऑलराइट उसके अलावा सिर्फ इतना ही रिवॉर्ड्स नहीं मिलते बल्कि नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं जैसे कि जो सिक्योरिटी पर्सनल जो सिक्योरिटी का मेंबर है सिक्योरिटी फोर्सेस का वो अगर किसी बड़े मिलिटेंट को किल करता है तो उसको सरकार पावर देती है कि आप एडहॉक ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर सकते हैं विदाउट एनी बैकग्राउंड चेक आप उन ऑफिशियल्स को अपॉइंट करिए और अगर वो किसी सक्सेसफुल मिलिटेंट ऑपरेशन में शामिल होकर सक्सीड कर जाते हैं तो उनको रेगुलर एम्प्लॉय बना दिया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस का तो एक तरीके से देखा जाए ये जितना भी रिवॉर्डिंग सिस्टम है इस रिवॉर्डिंग सिस्टम की वजह से क्या हो रहा है इस रिवॉर्डिंग सिस्टम की वजह से एक तरीके का बिजनेस सेट हो रहा है जिससे लोगों का रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है क्यों हर बार एक मिलिटेंट की डेथ होती है तो जम्मू कश्मीर के लोगों जो लोग मुखबिरी करते हैं या जो लोग इंफॉर्मेशन लीक करते हैं जो लोकेशन बताते हैं या सिक्योरिटी पर्सनल जो उस मिलिटेंट को मारता है उन सबको किसी न किसी तरह का रेवेन्यू जनरेट होता है ऑलराइट सो इट इज अ काइंड ऑफ बिजनेस इट इज अ काइंड ऑफ सुपारी ऑलराइट कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ओके अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा एक और चीज है दिस काइंड ऑफ रिवॉर्डिंग सिस्टम हैज ऑल्सो रिजल्टेड इन टू सेटिंग अप ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट सिस्टम एक तरीके से लोगों को नौकरी रोजगार मिलने लग गया क्योंकि सिक्योरिटी पर्सनल को ताकत है कि अगर वो किसी बड़े मिलिटेंट को किल करता है तो वो एडहॉक ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर सकता है विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग ऑलराइट सो एक तरीके का रेवेन्यू जनरेशन और एक तरीके का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेटअप हो जाता है इस तरह की एक्सरसाइज से अपार्ट फ्रॉम दैट इस तरह की एक्सरसाइजेस एक और चीज करती हैं और वो है कि जो गवर्नमेंट है वो अपथेटिक एटीट्यूड डेवलप कर लेती है एक अभिन्न एटीट्यूड डेवलप कर लेती है टूवर्ड्स इरेडिकेटिंग मिलिटेंट्स रेदर देन द रूट कोज दैट इज मिलिटेंसी सो द गवर्नमेंट डज नॉट फोकस गवर्नमेंट का जो फोकस है वो ब्लर हो जाता है एंड इट डज नॉट फोकस ऑन इरेडिकेटिंग मिलिटेंसी बट इट फोकसेज ऑन इरेडिकेटिंग द मिलिटेंट्स और ऊपर से इस तरह का रिवॉर्डिंग सिस्टम क्या करता है मीडिया को भी हेल्प करता है फॉर कमर्शियलाइजिंग द वायलेंस सो इन सब कारणों की वजह से जम्मू कश्मीर में देयर इज अ कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन फोकस ऑन किलिंग द मिलिटेंट्स रेदर देन एड्रेसिंग द रूट कॉज ऑफ मिलिटेंसी That is militancy itself. All right. Now, what is the consequence of such rewarding? जो ये financial rewards मिलते हैं किसी भी militants को kill करने पे, उसका जो consequence है, वो सबसे पहली चीज़ ये है
कि जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाता कि वो उस मिलिटेंट को कैप्चर करे अलाइव, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने इसको अलाइव कैप्चर किया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, अगर मैं इसको शूट करके किल कर देता हूं तो मुझे इसके एवज में एक तरीके से फाइनेंशियल अवार्ड मिलेगा. सो द फोकस नाउ बिकम्स मोर ऑन किलिंग रेदर देन कैप्चरिंग द मिलिटेंट अलाइव. सेकेंड जो है, जहां पे क्योंकि ज्यादा फोकस किलिंग पे हो गया है तो किलिंग पे ज्यादा फोकस होने की वजह से कोलेट्रल डैमेज होता है जिसमें सिविलियंस की ज्यादा डेथ होती है. जैसे पिछले शनिवार जो इंसिडेंट हुआ उसमें 11 लोगों की डेथ हुई जिसमें 7 सिविलियन थे, 3 मिलिटेंट थे और सिर्फ 1 सिक्योरिटी पर्सनल था. तो देखा जाए तो जो कोलेट्रल डैमेज है वो बहुत ज्यादा है. कोलेट्रल डैमेज मतलब सिविलियंस की डेथ, और सिविलियंस की डेथ होने पे उनको जो मुआवजा मिलता है वो सिर्फ 1,00,000 रुपए है. वहीं पे जो मिलिटेंट को किल करने पे रिवॉर्ड मिलता है सिक्योरिटी पर्सनल को वो 7 से 12.5 लाख रुपए है. सो आप खुद सोच सकते हैं कि लोग बाग इसलिए ही वहां पे सबसे ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटी होती है. जब सिविलियन कैजुअलिटी होती है तो लोग बागों के अंदर रोष बनता है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इस वजह से ही बहुत ज्यादा लोग बाग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट एक रिजेंटमेंट एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं और पत्थरबाजी करना चालू कर देते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, इस तरीके की रिवॉर्डिंग सिस्टम को अडॉप्ट करने से गवर्नमेंट का फोकस ब्लर होता है. गवर्नमेंट स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन मिलिटेंट्स रेदर देन द रूट कॉज दैट इज मिलिटेंसी. ऑलराइट, और इट कैन बी रिफ्लेक्टेड, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि पिछले 30 साल में अगर जम्मू कश्मीर के कैबिनेट की एक्टिविटीज को देखा जाए तो एक भी बार एजेंडा नहीं बना मिलिटेंसी. एवरी टाइम द एजेंडा वॉज मिलिटेंट्स एंड नॉट मिलिटेंसी. दिस शोज दैट द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट इज टोटली ब्लर्ड. सो दिस इज वॉट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल डिस्कसेस, कि वाई इज देयर मोर एम्फेसिस ऑन किलिंग द मिलिटेंट्स रेदर देन टैकलिंग द मिलिटेंसी, एंड सेकेंड वॉट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस काइंड ऑफ अप्रोच. ठीक है, सो ये पूरा इस आर्टिकल का ब्रीफ था. अगर आपने इस आर्टिकल को पढ़ा है तो यू आर क्वाइट कंफर्टेबल नाउ अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. सो दिस इज अबाउट मिलिटेंसी एंड नॉट मिलिटेंट्स, विच वॉज पब्लिश्ड इन इंडियन एक्सप्रेस ऑन 19 December 2018 ओपिनियन पेज. दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच. कीप ट्यून फॉर ग्रेटर वीडियोज. बाय.